इरफान, ये जब से सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस आती हैं ना कि ये स्किल सीख लें और ये देखें, ये मेरे पास मेरी अकाउंट स्टेटमेंट है, इसमें $5,000 आए। हमारा एक बहुत अजीज़ बच्चा है, बहुत प्यारा, वो बैंकर है और बैंक में मैनेजर है। तो कलंगा एक लड़का आया, उसकी कोई बाहर से पैसे आए थे $11,000। मैंने कहा $11,000 तुम्हारे कहाँ से आए हैं? कहते सर मेरी एक वेबसाइट है, उसमें मैं ब्लॉग लिखता हूँ और उन ब्लॉग में से एक की वर्ड क्लिक हो गया तो गूगल ने उसको उठा के टॉप पे कर दिया और वो इतनी ट्रैफिक आई, ये मेरे एक महीने के $11,000 है। उसने कहा कि यार ये कैसी, ये क्या होता है? उसने कहा सर आप मुझे टाइम दें, 3 दिन मैं आपको सिखाता हूँ। कहते मेरी आगे समर हॉली, वो जो हॉलीडेज आती हैं बैंक की, कंपलसरी हॉलीडेज आ रही थी 15 दिन की। कहते 15 दिन में मैंने वो जो वर्ड प्रेस होता है कोई सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रेस, कहता उसमें मैंने वो सीख लिया, एक SEO का कोई छोटा सा इंडियंस ने सिखा दिया, इंडियंस का कोई कोर्स था। ठीक है। कहता जी ये मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है और आज बिल्कुल मेरे पास आ गया कि जी इसका एक शाउट आउट दें मुझे तो वर्ड वो मैंने एक छोटी सी बना भी दी वीडियो। अच्छा, अब वो ये बहुत से नौजवान इस बात से टेम्प्ट हो जाते हैं और आके कहते हैं अच्छा मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं है। तो आप हमेशा इस बात को एडवोकेट करते हैं कि भाई ये जो यंग नौजवान हैं ये इस तरह के छोटे छोटे काम ना करें, बल्कि बड़े काम करने के लिए पहले अपने अंदर स्किल पैदा करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये $10-$10 $20-$20 पे आके रुक जाए। ये आप हमेशा से इस बात को एडवोकेट करते हैं। अच्छा, ये बात हो सकता है उनके लिए हो कि जो कि कंप्यूटर साइंसेज के अंदर हैं या टेक के बंदे हैं, जो एक बंदा फ़र्ज़ करें एक जगह पर रिसेप्शनिस्ट है या कहीं कोई और काम कर रहा है, वो छोटी सी स्किल सीख के, इन अदर वर्ड्स आप मुझे बताएं कि जब इस तरह कोई बच्चा आपके पास आए कि जी हमारे घर के तो हालात बहुत ख़राब है, अगर मुझे फ़र्ज़ करें 20-25-30 हज़ार ही महीने के एक्स्ट्रा आ जाए करेंगे तो मेरा तो गुजारा हो जाएगा, वो उसके लिए क्या स्किल है जो उसको सीखनी चाहिए? आई होप कि मैं आपको सवाल समझा सकूं। मैं एक्चुअली दो आप बहुत ही सीरियस बातें कह रहे हैं। हाँ। मैं भी ये देखता हूँ, पहले आपने ये कहा कि जो लोगों को ना पैसा, मेरे अकाउंट में इतने पैसे है, ये देखें मैंने अमेजोन से इतने कमाए, ये देखें मैंने फलां से इतने कमाए, बल्कि छोड़ें, सीधा बताता हूँ, अपनी टेबल पे इतने सारे पैसे रख के, टेबल के ऊपर लात रख के वीडियो बनाएंगे, मैंने मेरे पास इतने दौलत है, आप भी इधर आओ कमाओ, ये तो दो नंबर। हाँ, अब ये होता ये है कि एक्चुअली ये जो फील्ड है ना ये बड़ी रुथलेस फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आर्म डेवलपमेंट हो या कोई भी ऑनलाइन फील्ड हो, इसके अंदर ऐसा है, मैं आप ही की एग्जांपल देता हूँ कि एक सर्जन जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर खड़ा होकर सर्जरी कर रहा होता है और वही सर्जन जब सर्जरी पढ़ा रहा होता है, दोनों में फ़र्क होता है। देर आर स्लाइटेस्ट ऑफ डिटेल्स जो अटेंशन टू डिटेल से, फोकस से, पढ़ाने के तरीके से आपको ट्रांसफ़र होती है, एक्सपीरियंस से ही होती है। वो ऐसा हो नहीं सकता कि आप पढ़ो और सीधा जाकर सर्जरी शुरू कर दो, और इसी तरह से होता है कि आप पढ़ो और सीधा जाकर इन्वेस्टमेंट लगा कर अपने पैसे डुबो दो। अगर किसी उस बच्चे को आया है ना $11,000, सही कह रहा, कोई कीवर्ड हिट हो जाता है, रैंक हो जाता है, इतने पैसे आ जाते हैं, पर ये कंसिस्टेंट इनकम नहीं है। यू कैन नॉट से कि अगले महीने भी आएगा, अगला कीवर्ड बीट करेगा, नो यू कैन नॉट से। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो जिसको सिखाएगा उन सब के आएंगे, इस हिसाब से हमारा मुल्क अमीर होता। तो पहली बात ये है कि ये सारी बातें जो होती हैं ये सिर्फ मीन है, मेहनत आपने खुद करनी है और आगे बढ़ना है। अब दूसरी तरफ आता हूँ कि हमारे मुल्क में क्या प्रॉब्लम है। अभी जो कह रहे हैं ना कि 25,000-30,000 जिसके पास कुछ नहीं है, वो कोई भी छोटी मोटी जॉब कर रहा है, वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन की दुनिया में जाके 25-30,000 कमाऊँ। वो ऑनलाइन में बहुत से छोटे काम हैं जो आज भी आपको 25-30,000 दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लें। कोई भी शख्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकता है। कोई भी शख्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है कि ChatGPT से सवाल पूछना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मैं और लेमैन लैंग्वेज में बता देता हूँ, सवाल पूछना। आपको बताएं, आपके पास जब पेशेंट आता है, आपसे पहले एक डॉक्टर पेशेंट से क्या करता है? सवाल पूछता है। अगर वो गलत सवाल पूछेगा, पेशेंट गलत हिस्ट्री बताएगा, आप उसका सही ट्रीटमेंट कर सकते हो? जाहिर में पास डाटा नहीं करेंगे। अगर वो स्मार्ट डॉक्टर है और सही सवाल पूछ के पेशेंट को आपके लिए प्रिपेयर कर देता है तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है। तो सवाल पूछना ChatGPT से और उससे आउटपुट लेना, दैट आउटपुट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, अगर आप डाली में जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप अच्छे इमेजेस जनरेट करके बेच सकते हैं जो सैकड़ों हजारों डॉलर के जाते हैं। अपने प्रॉम्प्ट लिख के बेच सकते हैं जो $200-$500 में जाते हैं। अब उसे भी एक प्रॉम्प्ट नहीं बिकता। जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होते हो, आपका प्रॉम्प्ट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है, तो जो बायर होता है आपको रिव्यू भी देता है, आपको गुड भी देता है,
जब आपकी प्रोफाइल पे तीन चार प्रोफाइल प्रॉम्प्ट बिकते हैं, तो आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती है, वो है आपका कंसिस्टेंट इनकम। डॉक्टर जावेद का एक नाम है, जो आपका प्रोफाइल है वो है आपकी एक्चुअल आईपी, वो है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर कोई आम बच्चा कोई छोटे स्किल से बड़ा होना चाहता है, वो इस तरह के काम करे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई स्किल नहीं चाहिए। एआई के अंदर आके आइडियाज़ के डिफरेंट टूल्स हैं, वीडियो एडिटिंग है, आई मीन एआई के अंदर आप वीडियो एडिट, अभी आपने मुझे एक अच्छी खासी वीडियो देखा थी जिसके अंदर हल्का सा टच लगा हुआ था, बड़ा कमाल लगा हुआ था। तो एआई के अंदर जाके ये किया जा सकता है। मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे आके कहा कि सर मैं ना एक जगह पे फंसा, मैं अब उसके जॉब नहीं बता सकता, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, बड़े सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ना मैं रिज़ाइन कर नहीं सकता और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये करूँ। तो मैंने उसे कहा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये वाला टूल है, आप इमेज जनरेशन अच्छे तरीके से सीखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। और उसने पता किया क्या, हर रोज़ मुझे सुबह एक मैसेज आता है, सर मैंने ये जनरेट किया, ये जनरेट किया, ये जनरेट किया। 3-4 महीने ना उसने मुझे सही वाला पका दिया। इवेंचुअली उसका एक स्क्रीनशॉट आया कि सर मेरा प्रॉम्प्ट इतने का बिका। अच्छा, वो बिकता कहाँ है, किस मार्केट में? देर आर मल्टीपल मार्केट, मैं अब बायस करके नाम नहीं लूंगा उसका, फिर वो थोड़ा सा उस नहीं, तरफ लेकिन ये है कि वो मार्केट जो होती है वो क्या वेब बेस्ड होती है? वेब बेस्ड मार्केट्स हैं, आप गूगल करें, चैट जीपीटी से पूछें, गूगल करें, अपवर्क पे, फाइवर पे, हर जगह पे आइए। अच्छा, हर जगह पे आपके प्रॉम्प्ट चाहते हैं, आपको क्लाइंट रीच आउट करते हैं। एक किसी प्रॉम्प्ट का एक मुझे मिसाल दें। देखिए मैं आपको एक प्रॉम्प्ट की एग्जांपल देता हूँ कि आपने हेल्थ केयर के अंदर की प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, आपने बुक लिखनी है, आप उस बुक के अंदर जनरेट कर रहे हो कि पेरेंट को पेरेंटिंग सिखाते हुए बच्चे के कुछ इमोशंस को वो पेरेंट कैप्चर कर रहे हैं। यू डोंट हैव द पिक्चर, कोई कॉपीराइटेड पिक्चर आप यूज़ नहीं कर सकते। आप एआई को जनरेट लिखेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे और वो इमोशनल पिक्चर एआई उसको पूरे सेंटीमेंट्स को उस पिक्चर में डिपिक्ट करके आपको पकड़ा देगा। आम बंदा लिखने बैठेगा तो 10 दफ़ा लिखेगा, पहले अकाउंट क्रिएट कर लिखेगा। क्लाइंट क्या करता है, वो कहता है यार ये मेरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को फिट करने के लिए मुझे सही इमेजेस चाहिए। आज हमने पढ़ाया ऑनलाइन लेक्चर के ऊपर, हमने एक बिल्ली की इमेजेस जनरेट करा करा के इनको सिखाया, मुझे ना ऐसी इमेज बना के दो जो मेरे सेंटिमेंट को कवर कर सके। अब वो बंदे एक्सपर्ट होते हैं, वो सेंटिमेंटल वो पिक्चर बनाएंगे, अब वो पिक्चर उसके बुक में लगेगी जिससे उसकी स्टोरी अच्छी होगी। हेल्थ केयर में जाते हैं, हेल्थ केयर में बहुत सारे केसेस होते हैं आपके पास, बहुत सारे वो नहीं डिपिक्ट कर पा रहे हो तो आपके पास डेटा नहीं होता, यू कैन ऑलवेज जनरेट फ्यू थिंग्स। इस तरह के हर फील्ड में आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, नॉट जस्ट इट। वीडियो एडिटिंग में चले जाएँ, ए आई में आपके पास बहुत काम है। डिज़ाइनिंग में चले जाएँ, ए आई के टूल्स यूज़ करें, बहुत काम है। प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो बच्चा भी काम करने लगता है, जब उसको पहला $100-200 मिलता है, वो लगता है कि दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड और अब मैंने इस बंदे के साथ ही काम करना है, और वो रुक जाता है। उसके लिए वो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है, वो रुक जाता है और फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं नहीं कर सकता। यहाँ पर आके हमारा मसला है, पैसे वाले शॉर्टकट दिखाते हैं। मैं अगर आप बात करें तो हमारे डालते हमारे मुल्क में, मैंने रिसेंटली सुना है कि 2 महीने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, शायद अब आपको भी सुनना पड़ेगा कि 4-6 महीने में MBBS करें और इंडिया में है 10 दिन में MBA करें। इस तरह की बातें सर्कुलेट कर रही हैं, तो ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं लोगों में, पैसा दिखा के अटेम्प्ट करते हैं, फिर वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, क्विक रिजल्ट नहीं आते, डिसअपॉइंटमेंट आती है, डिसअपॉइंटमेंट से फ्रस्ट्रेशन और फिर वो कल्चर बढ़ता है। टू मी देर इज़ नो शॉर्टकट, और आप ज़िंदगी में कभी मत रुको। AI की दुनिया में आपके पास स्किल नहीं भी है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत अच्छे स्किल गेन कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते आप, अपनी किताब लिख लो, कुछ नहीं कर सकते। मैंने अभी कुछ बच्चों को देखा, उन्होंने अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे, एक मुझे नाम भूल गया, एक बंदे ने पूरा सॉन्ग वो किया है, एक ने पूरी मूवी बनाई है, इधर से LLM से ही स्क्रिप्ट लिखा है, LLM से ही वीडियोस बनाई है, LLM से ही पिक्चर बनाई है, LLM से ही एनिमेशन सब कुछ पूरी वीडियो प्रिपेयर की है और उसको अलग से मिला। तो आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनीथिंग। और बाकी जो जो लोग कहते हैं कि हमें पैसे मिले हैं ये करके, और आप आओ हमसे सीखो, आपको भी पैसे मिलेंगे, आई एम सॉरी टू से दैट 5% भी चांसेस नहीं है, क्योंकि मेहनत आपकी अपनी है। तो लिहाजा ये है कि शॉर्टकट एक ब्रिलियंट आइडिया, क्रिएटिविटी और हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, एक ब्रिलियंट, लेकिन आप मार्केट सर्च करें और देखें कि किस जगह पर वो चीज़ें। सर मैं एक बात आपसे हम्बली पूछता हूँ, आप इतने साल आपने पढ़ाया, कितने सैकड़ों हज़ारों लोगों को पढ़ाया, क्या हज़ारों प्रोफेसर जावेद इकबाल हैं? आपने तो दिल से सबको पढ़ाया ना,
बड़ी मेहनत से पढ़ाया, लेकिन जो कामयाब हुए जिनको आप अक्सर नाम भी लेते हैं, पर वो हुआ तो फिर एडवेंचर तो मेहनत तो की, वो पाथ तो पूरा किया ना। कई ऐसे हैं जो मुझसे भी आगे बढ़ गए वैसे। अगर ऐसा होता कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें भी पैसे कमाना सिखा सकता हूँ, तो फिर तो हमारे पास कोई 2-4 हज़ार जावेद इकबाल होते। तो इसलिए फिर हमें जो है इस बच्चों को इस तरह के उन गिमिक्स में नहीं, उनसे सीखना चाहिए, मगर सीख के मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। थैंक यू।